सेम लेवल, 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन के बाद उनके जैसे ही लेवल पे मैं आ गया था। यार, तो एंड उससे उनसे अच्छा ये भी आप बोल सकते हो। हाँ, मतलब फोर्थ ईयर में मतलब वैसे कॉलेज में ऐसे टॉप एक्चुअली मॉडल में आ गया था। मैं भी इसी से हूँ। एंड जब आप उनसे अच्छा हाँ परफॉर्म करने लगते हो ना, तो और मोटिवेशन आती है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई हैव इनवाइटेड राज इन माय चैनल, एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इंट्यूट एंड हाउ यू कैन गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंट्यूट, रेजर पे एंड अमेजॉन। सो हेलो हेलो राज, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। सो कुड यू प्लीज गिव मी अ क्विक इंट्रोडक्शन सो दैट आवर व्यूअर विल गेट टू नो अबाउट यू। थैंक्स अमृतांजलि फॉर इनवाइटिंग मी। सो माई सेल्फ राज पटेल एंड करंटली आई एम वर्किंग एट इंट्यूट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2021 फ्रॉम NIT राउरकेला एंड देन आफ्टर आई ज्वाइंट इंट्यूट इन ऑगस्ट। Also, I want to say that Raj belongs to EC department. So, and he also performed well in their academic life. You can say that he's a topper, a kind of topper of ECE. And apart from being performing a very good in ECE, he also cracked multiple offer, like offer from Intuit, Amazon, and RazorPay kind of company. So that's really great. So I will put the LinkedIn ID of Raj in the description. So if you want to connect with Raj, then you can check out the description. So yes, Raj, I personally get lots of motivation from you. So the next question I want to ask, could you please share how you got interview opportunity from Intuit and RazorPay and Amazon? इंट्यूट के लिए मैंने लिंक्डइन में ही अप्लाई किया था। तो लिंक्डइन में वो इजी अप्लाई टाइप जॉब पोस्ट देखा था मैंने, तो मैंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया। उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया नहीं था इंट्यूट के बारे में। 4-5 महीने बाद मुझे मेल आया कि अभी भी लाइक आई एम इंटरेस्टेड, देन सो रिक्रूटर मतलब ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल कर सकते। तो वैसे तो इंट्यूट में ऐसे मिला, और मैंने मतलब कुछ दोस्त लोगों को है तो उनको डायरेक्ट कैरियर पोर्टल में अप्लाई करने से भी टेस्ट लिंक आ गया था, और रेफरल से तो अप्लाई करते ही है ऐसे। इंट्यूट में वैसे मिला था, और रेजर पे में भी सेम ऐसे ऑफ कैंपस अप्लाई किया था मैंने। तो रेजर पे का भी लाइक ST1 बैकएंड के लिए ऑफ कैंपस जॉब ओपनिंग निकला था, तो मैंने अप्लाई किया था। अमेजॉन ऑन कैंपस आई थी। सो जस्ट लाइक हमारा फोर्थ ईयर खत्म होने वाला था, और उस टाइम पे अमेजॉन आई थी लास्ट लास्ट में। सो अमेजॉन में ऑन कैंपस था। तो दिस इज रियली ग्रेट इंसाइट। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लाइक अमेजोन, इंट्यूट एंड रेजर पे का एक क्विक समरी, लाइक इंटरव्यू का क्विक समरी दे सकते हो, लाइक योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपनी? सो इंट्यूट में प्रोसेस बताता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट, सो मुझे वैसा लगा कि इंटरव्यूज इजी थे ऑन कंपेयर टू ऑनलाइन टेस्ट। सो ऑनलाइन टेस्ट में अराउंड 90 मिनट में 3-4 क्वेश्चन करने थे। दो इजी थे और दो इजी मीडियम जैसे थे। तो ऑनलाइन टेस्ट थोड़ा टफ था कंपेयर टू इंटरव्यू। और इंटरव्यूज में दो ही राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड 30 मिनट का था। इट इज लाइक स्क्रीनिंग राउंड। सो उसमें मैनेजर ने लिया था, इंट्यूट के मैनेजर ने। उसमें थोड़ा रिज्यूम में से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, देन एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था। ये पहला राउंड था 30 मिनट का। उसके बाद दूसरा राउंड थोड़ा लंबा था, लाइक 1 आवर के अराउंड था। तो उसमें भी इंट्रोडक्शन, फिर DSA का क्वेश्चन ही था, मैप और सेट उसमें मैनिपुलेशन करना था। तो ये थोड़ा टफ था कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। और उसके बाद लास्ट में थोड़ा प्रोजेक्ट्स और CS फंडामेंटल्स वगैरह के क्वेश्चन से, वही। तो ये इंट्यूट का था एक्सपीरियंस। उसके बाद अमेजोन में ऑनलाइन टेस्ट इजी था।
उसके बाद इंटरव्यूज में दो डीएसए राउंड हुए थे, तो उसमें हार्ड कोड डीएसए राउंड, मतलब उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह का उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं कि मतलब क्या प्रोजेक्ट्स किया है वगैरह, बट मेनली मेन फोकस था कि दोनों राउंड में डीएसए पे था, तो दोनों में दो दो क्वेश्चन करने थे, और क्वेश्चन ऐसे ग्राफ एरेज के ही थे, ग्राफ एरेज वगैरह का। और थर्ड राउंड में बार रेजर राउंड होता है, तो उसमें मैनेजर ने लिया था, तो उसमें प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप वगैरह का पूछा, और उसके बाद दे दिया कि लाइक तुम्हें लॉग्स दिए हैं, तो उस पे तुम्हें कुछ मतलब फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें मतलब मुझे बोला कि तुम्हें 20 मिनट के लिए मतलब दे 20 मिनट दे रहे हैं, तुम कोड लिख के फिर मतलब बताओ मुझे। तो वो थोड़ा वैसे था फर्स्ट टाइम लाइक इंटरव्यू में, तो अमेजोन का वैसे था। रेजर पे में भी सिमिलर ही था, दो डीएसए राउंड और एक मैनेजर के साथ राउंड। या सो दिस इज रियली ग्रेट इंसाइट ऑफ दिस थ्री कंपनी एंड आई लाइक मेरे लॉट्स ऑफ व्यूअर्स है जो मेरे से हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आई एम फ्रॉम ईसी, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल एंड प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स सीएसई वाले को तो कोर्स में पढ़ाया जाता है, हाँ लेकिन फ्रॉम अदर ब्रांच हमारे बहुत सारे ऐसे जूनियर है जिन्हें जो कर सकते हैं लेकिन वो डिमोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिंस वो अदर ब्रांच से है सो इस ब्रांच को वो कोप अप नहीं कर पाएंगे. तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, मतलब कुछ एडवाइस कैसे आप बीइंग फ्रॉम ईसी एंड बीइंग परफॉर्मिंग गुड एट ईसी, लाइक आप बहुत अच्छा सीजीपीए भी लेकर अगले घर के आए हो ईसी में एंड इसके बाद बावजूद भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए कंप्यूटर साइंस डोमेन में भी, तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ तो मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ कि मेरा मतलब 12th के बाद वैसे था कि सीएस से मतलब बहुत ऐसे डर लगता था, तो मुझे मतलब सीएस मिल भी रहा था तब भी मैंने जानबूझ के नहीं लिया, मैंने कभी ऐसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज नहीं किया हुआ था 12th तक, तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे कुछ आता नहीं है ऐसे कंप्यूटर वगैरह का, तो डर लगता था, तो मैंने लिया ही नहीं सीएस। फिर कॉलेज में जाके भी वही रहा कि मतलब सीएस से भागता था मैं, मतलब ऐसे फर्स्ट ईयर में तो होता है ना लैंग्वेज का, तो मतलब मैं बहुत ऐसे डर के भागता था पहले दो दो ढाई साल तक, वैसे ही रहा मतलब कोडिंग से बहुत डर लगता था। तो और मेरा इंटरेस्ट मतलब इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ज्यादा था, तो मैं मतलब गेट का पीएसयू वगैरह का तैयारी करता रहता था, वही इसी का ही। फिर क्या हुआ कि जब मतलब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, तो मेरे मतलब दोस्त सीएस के वो प्रिपेयर करते थे, तो साथ में मतलब मैं बैठता था, मैं अपना काम करता था, वो उनका कर रहे हैं, तो उसी में मतलब वो थोड़ा बीट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आया, तो मेरा मतलब इसी में वो सब आता है ना डिजिटली, तो उसने मुझे पूछा कि कैसे कर सकते हैं, तो मैंने मतलब लॉजिक बताया, मुझे तो लैंग्वेज तो कोई आती नहीं थी, तो लॉजिक बताया, बट मतलब सॉल्व करने में मजा आया। फिर ऐसे ही मतलब मैं फिर सोचा अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग है, चलो ट्राई करते हैं, तो फिर मैंने स्टार्ट किया लैंग्वेज सीखना, मतलब सिक्स सेमेस्टर में स्टार्ट ही किया मतलब C++ से, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट आता गया, तो कोडिंग करता रहा करता रहा करता रहा ऐसे, और साथ में हाँ सीएस फंडामेंटल्स वगैरह का है, तो 1-2 महीना करेंगे तो मोस्टली सब कवर हो जाता है, मतलब अगर आप मतलब 1-2 महीना अच्छे से सीएस फंडामेंटल्स करें, तो मतलब दो तीन सब तीन सब्जेक्ट से वही मेनली पूछे जाते हैं, तो वो अच्छे से करे, और जैसे आपने बोला कि सीएस के स्टूडेंट से कोप अप करने में वैसे वो डर रहता है, मतलब मुझे भी वैसा था कि अच्छा ये लोग तो 3 साल से मतलब यही कर रहे हैं, और अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे तो कैसे मतलब हो पाएगा, बट वो गैप मतलब 2-3 महीने अच्छे से मैंने किया, वो गैप पूरा मतलब ऐसे कवर हो गया सेम लेवल, 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन के बाद उनके जैसे ही लेवल पे मैं आ गया था, या तो एंड उससे उनसे अच्छा ये भी आप बोल सकते हो. हाँ, मतलब फोर्थ ईयर में मतलब वैसे कॉलेज में ऐसे टॉप एक्चुअली कोडर में आ गया था। मैं भी ईसीयू से हूँ एंड जब आप उनसे अच्छा हाँ परफॉर्म करने लगते हो ना तो और मोटिवेशन आती है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ. हाँ हाँ
वैसे हुआ था, कुछ दोस्त जो मुझे फर्स्ट ईयर में जानते थे वो जब फिर लास्ट ईयर में मतलब ऐसे कंटेस्ट वगैरह देता था तो मतलब कॉलेज रैंक में मतलब आगे रहता, तो वो मुझे फोन करके एक दोस्त बोला कि अरे तुम तो बोल रहे थे कि सीएस को कभी मैं देखूंगा ही नहीं, ये कितना मतलब क्या, और तुम यहाँ पे कैसे मतलब। तो भाई अच्छे से 2-3 महीने करो मतलब। तो व्हाट आई ऑब्जर्व, लाइक आप जो भी काम करते हो बिल्कुल परफेक्शन से करते हो, लाइक जब आप ईसी पढ़ रहे थे उस समय बिल्कुल परफेक्शन से ईसी करे, एंड इसलिए ईसी में आप इतना अच्छा परफॉर्म करे. एक्चुअली ही इज लाइक, व्हाट इज योर सीजीपीए इफ यू कैन शेयर, लाइक ही परफॉर्म रियली ग्रेट इन द ईसी डिपार्टमेंट. एंड ऑल्सो आप जब सीएससी में काम करना स्टार्ट करे तो वो भी आप काफी अच्छा करे, लाइक यू डिड रियली वेल इन कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक आई हैव सीन योर कोड फोर्स प्रोफाइल, एंड लाइक आप भी लाइक राज का कोड फोर्स प्रोफाइल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, मतलब इतने कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. मतलब आप देखो बहुत लोग 1-2 साल में इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसने अराउंड 6 मंथ के अराउंड उतना क्वेश्चन सॉल्व करा था, मैं जो ऑब्जर्व करी थी आपके प्रोफाइल को देख करके. तो ये सब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी काम करो तो परफेक्शन से करो, एंड ये चीज आप हाँ राज से सीख सकते हो. अच्छा हाँ, ऑनेस्टली मतलब जो भी करो अच्छे से मतलब पूरा अपना दो इनपुट। लाइक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, लाइक आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करे हो तो क्या आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्प करी है फॉर क्लियरिंग डिफरेंट ऑनलाइन टेस्ट ऑफ डिफरेंट कंपनी? लाइक मैं भी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी और मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिला. अगर मैं कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करती तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं होता कोई भी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट निकालना. तो क्या आपको भी ये फील होती है कि ऑनलाइन टेस्ट में कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है? हाँ ऑनलाइन टेस्ट में डेफिनेटली हेल्प करती है, जैसे ऑन कैंपस में तो मतलब बहुत सारी कंपनीज आती है, तो मतलब एक कंपनी का चलो ओटी बिगड़ गया तो मतलब दूसरी का दूसरी कंपनी में अच्छा करके मतलब कर लेंगे। बट जैसे ऑफ कैंपस पे ही ज्यादा मतलब वैसा है, तब टेस्ट लिंक मिला तो मतलब बहुत मुश्किल से मिला। देन अगर मतलब थोड़ा सीपी टाइप क्वेश्चन आ गया और नहीं बना तो फिर थोड़ा अफसोस होता है। हाँ तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब बहुत हेल्प करती है इन द सेंस कि बहुत बार वो सिचुएशन में रह चुके होते हैं व्हेन यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कि कोई नया क्वेश्चन आया और उतने मतलब कम टाइम में फिनिश करना है और आप सबमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो डिबग करके मतलब कहाँ गलती हो रही है, टेस्ट केसेस विजिबल नहीं होते तो आपको मतलब डिबग भी करना पड़ता है कि अच्छा कहाँ कोई एज केस छूट रहा है कि नहीं। तो वो सब चीजें मतलब ऑलरेडी आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके रहे थे तो हेल्प हो जाती है, वही स्पीड एक्यूरेसी और डिबगिंग इन सब में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो स्टूडेंट तो आप कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग को एक बार ट्राई जरूर करना. हाँ थर्ड ईयर एंड फोर्थ हाँ ईयर के लिए भी मैं बोलूंगी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले आप ट्राई करो क्लीट कोड करना. मतलब इंटरेस्ट वो बात भी है कि लाइक जबरदस्ती नहीं करनी है किसी नहीं बट लोग कॉम्पिटिटिव ट्राई नहीं प्रोग्रामिंग करेंगे ना, करने। जब हाँ ट्राई ट्राई करेंगे तो करो यही, इंटरेस्ट. हाँ यस हाँ वही ट्राई करना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगे तो कंटिन्यू करो, या एंड तो लाइक ट्राई ट्राई अगर आप करने पे ही पता चलता है। यस एंड अगर आप जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं 1-2 बार ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कम से कम आप 1 से 2 मंथ ट्राई करो और कम से कम 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करो कोड फोर्स पे. फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, अगर आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तब आप और ट्राई करो. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको करने का मन ही नहीं करता है, सीपी सीपी से आपको नफरत सा हो रहा है, तब आप लीड कोड भी कर सकते हो. लेकिन जनरली स्टूडेंट ट्राई करना इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है. तो आपका छोड़ने का रीजन ये नहीं होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है. हाँ कोड फोर्सेस के क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में लग सकते हैं, लाइक थोड़े मैथ्स ओरिएंटेड या एडहॉक टाइप रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहता है स्टार्टिंग में तो ऐसे। हाँ बट प्रैक्टिस से ही होगा वही है। वही बात है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब तो ज्यादा, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत क्वेश्चन करने के बाद मेरे से ये हुआ था कि एबीसी बनने लगा था, एंड एबीसी बनना भी ना मोर देन इनफ होती है किसी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट निकालने के लिए. हाँ जरूरी नहीं है कि आपको डीईएफ भी बनाना हो, डीईएफ नहीं बन रहा छोड़ दो छोटा, लेकिन एबीसी ट्राई करो बन जाए कॉन्टेस्ट के टाइम में. एबीसी बना रहे हो तब मतलब मोस्टली आप सभी ऑनलाइन टेस्ट तो सबका निकाल भी दोगे आराम से, मतलब बहुत आराम से निकल जाएंगे।
एंड इसमें भी अब मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि कभी भी रेटिंग के पीछे मत भागो, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि एक पर्सन एबीसी बनाया 2 आवर में उसका रेटिंग, एंड एक पर्सन एबीसी बनाया 15 मिनट में उसके रेटिंग में ना 4-5 हज़ार का डिफरेंस चला आता है, कम से कम 2 हज़ार का डिफरेंस तो चला ही आता है। तो रेटिंग के पीछे मत भागना, एंड बस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागो। सो आई सही थिंक है, आई हैव सही। कवर्ड ऑल दोज पॉइंट। थैंक यू राज फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन, एंड यू शेयर रियली ग्रेट इनसाइट ऑफ दीज कंपनी एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर लाइक इंटरव्यू बींग ईसीए स्टूडेंट और एनी लाइक नॉन सीएस स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई रिकमेंड यू टू प्लीज फॉलो राज ऑन हिज लिंक्डइन। सो इन फ्यूचर ही विल, इफ ही विल पोस्ट समथिंग दैट यू विल गेट अ रियली ग्रेट इंसाइट फ्रॉम हिज पोस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। या थैंक यू।